तो जानते हैं समय की कमी है तो मैं आपको माइक हैंडओवर कर रहा हूं, इसी विश्वास के साथ आप इस विश्वास को बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम फरीदा निजाम खान है और ये बिजनेस शुरू किए थे, ज्वाइन किए थे 10 साल पहले, 9 साल इस बिजनेस को किए थे और मैं हाउसवाइफ हूँ। सर इंजीनियर थे और इस बिजनेस का जो पहला चेक था 32 रुपये का था, हाईएस्ट जो था 18 लाख प्लस का। यहाँ से 3 गाड़ी अचीव की हूँ, एक फोर्ड फिगो, एक ऑडी Q3 और एक पिछले महीने अक्टूबर में अपनी बेटी को गिफ्ट की थी किया की सोनर। और नौ ट्रिप सर किए थे, 3 बेटी को कराए थे। यहाँ से जब सर थे तो एक घर लिए थे हाउस फंड से और उनके जाने के बाद 3 से 4 प्रॉपर्टी मैं बनवाई हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद भी मैं यहाँ से पे आउट आता रहा और इसलिए मैं ये सब कर पा रही हूँ। बेटी को, बड़ी वाली बेटी को मैं MBBS करवा रही हूँ इंडिया से बाहर, तो ये सब इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि सर जो एक डिसीजन लिए थे आज से 10 साल पहले, उसको अपना तो एंजॉय किए थे, उनके बच्चे भी कर रहे हैं और इसीलिए कभी टेंशन नहीं रहता है कि क्या किया जाए। बस एक चीज ये कहना चाहती हूँ सबसे कि जैसे सर बता रहे थे कि कभी भी बैठ के खाने की आदत मत डालना, हमेशा मेहनत करने की आदत डालना। और दूसरी चीज ये है कि अभी यहाँ से जो भी आए हैं एक ड्रीम बना के जो भी आपके लेके आए हैं उनके ऊपर विश्वास करना, क्योंकि वो आपको बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। जो आपके अप्लाई हैं आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा वो आपका हेल्प करेंगे। और इस बिजनेस में अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मैं कभी नहीं आती क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, कभी निकलना पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक विश्वास था और एक सर का जो ड्रीम था कि हमें अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ देना है। और बस इसीलिए निकली क्योंकि बच्चे छोटे थे और ये नहीं चाहती थी कि मैं बैठ के खाऊं, और करके खाने में अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों को भी इतना विश्वास है कि मम्मी जो मांगेंगे मम्मी वो देंगी। बस एक चीज़ और, जैसे मेरी बेटी को अभी 1 तारीख को क्लोजिंग था और उसको BTS बहुत पसंद है, तो अपने से वो अपनी 4 ट्रेन का टिकट मोबाइल ली मेरा और उसको बुक की और जाने के लिए तैयार हुई। पूरा दिन अपनी बेटी के साथ थी मैं, बहुत अच्छा लगा। और कोई कुछ कर रही होती कहीं पे भी तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बच्चे फिर मन मार के रहते। तो इसलिए जो सर एक डिसीजन आज से 9 साल पहले लिए थे, बहुत स्ट्रगल किए थे, बहुत लोग मना किए थे, घर में भी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी, लेकिन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के जो डिसीजन 9 साल पहले लिए थे वो आज हमारे काम आ रहा है। तो सब लोग ये डिसीजन लीजिए क्योंकि किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा अपने लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।